टॉस हो चुका है, बैटिंग जो है वो आमिर नासिक बाल क्रिकेट अकेडमी कर रहे हैं, मैच है, फील्डिंग टीम जो है वो ग्राउंड में उतर चुकी है। और माइंड क्या बना के आए हो आज, कितने स्कोर करना है? अब कितना टारगेट होना चाहिए आज? आज होना चाहिए 272। और अच्छा बॉल मोइज ने फेस किया और अच्छा आमिर वसीम वर्सेस नासिक बाल क्रिकेट एकेडमी के दरमियान। तो आज टॉस हो चुका है, बैटिंग जो है वो आमिर नासिक बाल क्रिकेट एकेडमी कर रहे हैं और बॉलिंग जो है वो आमिर वसीम है कि पाक मुस्लिम है? कल मैच है, फील्डिंग टीम जो है वो ग्राउंड में उतर चुकी है और अब बैट्समैन जो है वो रेडी हो रहे हैं। माइंड क्या बना के आए हो आज, कितने स्कोर करना है? टीम के लिए अच्छा हो, टारगेट कितना सेट करोगे? ओपनर बैटर हो आप, 10 रन पर ओवर पे जाएं, 300 तक, 250 तक स्कोर करें। ओपनर जो है वो रेडी हो चुके हैं, ये मोइज और साथ जो है वो ओन हसन। देखते हैं आज कितना टारगेट सेट करते हैं आमिर वसीम क्रिकेट एकेडमी के लिए। ये जी नासिर इकबाल जो है वो टीम मीटिंग करने लगे हैं, फर्स्ट बैटिंग है आज जिसकी। हाँ जी ठीक है, मतलब मैच यार कल खैर चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज दिन नहीं है ये अपना 100% दे कोशिश करिए यार, फिर मैं ही कहूँगा कि बहुत जनो कहीं बने यार थी। अज आके यार खुला खेल ठीक है, खुला खेडो, अज आके इंजॉय करो मैच, मजा करो ठीक है। किन्नी ओवर दायरा, किन्नी ओवर का? 6-7 कितना टारगेट होना चाहिए आज? आज होना चाहिए 280। और सोहेब कितना टारगेट होना चाहिए? 240। जी ए सैफी हमारे पास बॉलर, कितना टारगेट होना चाहिए जनाब, आप डिफेंड कर सकते हो अपनी बॉलिंग पे, आपको यकीन है? अच्छा जी शाहिद यार वो गल हो गई ना, जे पैसे नहीं तो पिज्जा खाने दिल कर रहे नहीं यार प्रोफेशनल गल करो यार, जो क्या कहते हैं 200+ होना चाहिए स्कोर इंशाल्लाह। जी शाम 400 क्या बोला तूने? ओ तेरा भला है मामा, तुम्हें पता है ना 4-5 मारने थे 230 रन कल भी है हमारे से, जो है हम चेज नहीं कर पाए, 235 का टारगेट था बट जो है वो चेज नहीं हुआ। तो आज जो है वो टीम तकरीबन वही है, एक दो चेंजेस हैं, मैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है जनाब। ये जी फर्स्ट बॉल और अच्छा बॉल मोइज ने फेस किया और सिंगल, डबल की कॉल बट ये सिंगल ही होगा। तो आज एक फिर अच्छा जो है मुकाबला देखने को मिलेगा, उम्मीद करते हैं। और दूसरा ये कि आज धूप निकली है काफ़ी दिनों के बाद, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मैं आज बता रहा था कि यार हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे गेम्स की जो टीम है उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर आए हुए हैं, ठीक है, लड़के 4-5 रीजन खेले हुए और माशाल्लाह Under-19 रीजन खेले हैं, Under-19 और मेरे ख्याल में एक सीनियर भी खेला हुआ है। अच्छा सीनियर डिस्ट्रिक्ट या रीजन? सीनियर, ठीक है, हमारे लिए काफी अच्छी फखर की बात है कि हम उनके गेम्स खेल रहे हैं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बनता मैच का जी। तो ये बॉलर शाहिद का कहना है कि जी हमारे लिए बहुत फखर की बात है कि हम सीनियर्स प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं जो कि ऑलरेडी Under-19 रीजन वगैरह खेल चुके हैं। दो ओवर का चौथा बॉल, बॉलर बॉल कराने के लिए बागे क्रिस क्रॉस किया और ये थाई पे लगा है जनाब। टीम की जानिब से प्रेशर, भरपूर प्रेशर डाला जा रहा है नासिर इकबाल क्रिकेट एकेडमी के बैटर्स को। और शाबा बॉय नहीं पहुंच गया। ओवर का पांचवा बॉल, बॉल कराने के लिए बॉलर भाग गए, अंपायर क्रॉस किया, बॉल किया और ये अच्छा बॉल बॉलर्स की जाने से।
खेलते थे कोकापुर है ओरिजिनल ओरिजिनल 40 का ये मेरे हिसाब से तकरीबन 3,500 का दिखाओ यार दिखाओ इस टाइम यकीन नहीं है बाल आपको जी तो ओन हसन जो है वो आज टाइम से ही आउट हो गए हैं कोई बात कोई नहीं ओन हसन ने यार प्लेट अभी जो दूसरे बैट्समैन गए हैं मोमिन वकार इनका नाम है सियालकोट स्टैलियंस रिसेंटली जो खेल के आ चुके हैं जनाब तो एक विकेट के नुकसान पे 7 रन हो चुके हैं और ये तो मोमिन भाई अभी फेस करेंगे अपना बॉल और बॉलर ने बॉल किया अच्छा शॉट चार रन के लिए खेल दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ और ये 4 रन बुरी न्यूज मोमिन वकार दूसरा बॉल पे ही आउट हो चुके हैं जनाब एक ओवर में 2 विकेट्स आ चुकी हैं और बहुत ही बुरा साइन मोमिन वकार अपनी दूसरी बॉल पे आउट बॉल देख के शाबाश 2 आउट हो गए हैं देख के जरा स्टे करके बॉय शॉट है रन ओनासन पिच कैसा है समझ नहीं आया बॉल विकेट गीला है कैसे मॉइस्चर पिच ओनासन कोई बात नहीं कौन सा ड्यू है चलें जी अल्लाह खैर करे मेहमान भी पहुंच चुके हैं जनाब इस शॉट पे इस शॉट में पूरे 50 मिनट 37 जी तो मोइस सर्विस जो है वो भी आज आउट हो चुके हैं और स्कोर कितना सोहेब ओए स्कोर कितना सोहेब 40 स्कोर पे 3 आउट ओवर कितने हुए हैं तीसरा चौथा लगा हुआ सुना फिर एक सुना दे यार एक सुना इधर है ओए चाहत फतेह अली खान वाले सुना दे कोई बाड़ी बस्ती चाहत फतेह नहीं है चाहत फतेह लूटा लूटा कौन है ये लोग कहां से आते हैं कमीज तेरी काली कभी लाल है कभी पाक जी 3 आउट हो चुके हैं और स्कोर कितना हुआ है स्कोरिंग मोइज आप कर रहे हो मोइज स्कोर क्या हुआ है क्या हुआ ओहो स्कोर हुआ क्या है 91 हो चुका है जनाब और 3 आउट हो चुके हैं 13 ओवर्स 91 3 आउट और ये फर्स्ट बॉल जो है वो फेस करेंगे सुहेब अच्छे तरीके के साथ फेस किया तो ये जनाब जैन बॉलर बॉल करेंगे साजिद फेस करेंगे बॉल जो है वो काफ़ी ब्रेक हो रहा है स्पिनर्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉल ब्रेक हो रहा है शाबा बुरहान अच्छी रनिंग है 145 किन्ने ओवर 24 ओवर हो चुके हैं जनाब और 144 स्कोर हो चुका है तकरीबन 6 से 7 आउट हो गए हैं सैफी की जुगता मार रहे हैं जुगता मार रहे हैं जी तो फर्स्ट इनिंग खत्म हो चुकी है और 168 स्कोर 168 का टारगेट है जनाब 30 ओवर में ये जी अभी 168 का टारगेट है और टीम जो है वो ग्राउंड में उतर चुकी है बैट्समैन ऑलरेडी आ चुके हैं टीम मीटिंग जी तो फर्स्ट विकेट जो है वो 35 ओवर्स पे 35 रन पे गिर चुकी है आमिर वसीम क्रिकेट एकेडमी की और बैट्समैन जो है वो वॉक कर रहे हैं और अभी सेकंड बैट्समैन जो है वो आ रहे हैं
तो अभी भी तकरीबन मैच में जो है वो ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि 168 का टारगेट है, 35 रन आ चुके हैं पहले 10 ओवर्स में और 20 ओवर्स में तकरीबन 132-132 रन जो है वो दरकार हैं। तो देखते हैं कि ये मैच नासिर इकबाल क्रिकेट अकेडमी विन कर पाते हैं कि नहीं। शाहिद जो है वो मेन बॉलर थे, बट अभी जो शायद इंजरी इनको थोड़ी सी आ रही है। करेंगे बॉलिंग आप दोबारा? जी ज़रूर करेंगे। जनाब 18 ओवर हो चुके हैं, 101 स्कोर हो चुका है और बढ़ता हुआ जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा, मतलब 101 हो चुका है, 168 जो है वो चेस करना है, 169। तो इस टाइम जो है वो 3 आउट हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है नासिर इकबाल क्रिकेट अकेडमी के प्लेयर्स को। डॉट बॉल से ना याद करवा और हम आज सर्वर जो है वो बैटिंग कर रहे हैं आमिर हुसैन क्रिकेट अकेडमी की जानब से। सीधा आउट सी, 168 चेज़ करना है, तो बाकी आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कितना बाकी रह गया। और ये जी साजिद के पास बॉल, सिंगल की कॉल है, सिंगल ही हुई है। जी तो तकरीबन 4 ओवर्स पड़े हुए हैं और स्कोर जो है वो 12-14 स्कोर जो है रह चुका है। तो ये मैच तकरीबन जो है वो आज फिर नासिर इकबाल क्रिकेट अकेडमी तकरीबन लूज कर गई है। और ये जी शायद ने बॉल करवाया, अच्छा बॉल, सिंगल आएगी। गुड कैच यार। और जी ये मैच जो है वो विन कर लिया है आमिर वसीम क्रिकेट एकेडमी ने। हाँ मुक गया। उम्मीद तो ये थी कि मैच बड़ा टफ होगा आज का, क्योंकि ये तकरीबन फाइनल मैच था। एक मैच नासिर इकबाल जीता और दूसरा मैच जो है वो आमिर वसीम, और अब तीसरा मैच जो है वो उम्मीद थी कि फ़ाइनल मैच था और ये जीते नासिर इकबाल, बट ये मैच भी जो है वो आज नासिर इकबाल क्रिकेट एकेडमी ने लूज़ कर लिया है। आप देखते हैं जनाब, अभी आपको कहीं नेक्स्ट मैच की अपडेट देंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन लाजमी दबाना है, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास लाजमी पहुँच सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।